सभी से बात करके स्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं ना कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था, संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बढ़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें
बड़े फोकस में हमें प्रयास करें तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रासरूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया है। भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बात हिंदुस्तान के एक नागरिक नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, दो गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली, एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन पांचों जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है।
साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है, आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं, आप जरूर बताइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, साबिक सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे, जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है सावन भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कॉन्टैक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।